सो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। और यार सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्यों मैं आप लोगों को मना कर रहा हूं कि आप अभी इस टाइम पे रॉयल पास मत परचेस करना। अभी मैंने भी रॉयल पास परचेस नहीं किया है। मैं चाहूं तो यहां पे यूसी ऐड करके रॉयल पास परचेस कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। कारण यह है क्योंकि मेरे को पता है क्योंकि 3.0 अपडेट में हमको एक नया बोनस यूसी इवेंट देखने के लिए मिलने वाला है। और अगर मैंने उस टाइम पे यूसी ऐड करी तो यहां पे मेरे को बोनस यूसी भी देखने के लिए मिल जाएगी, और उस बोनस यूसी का यूज करके मैं यहां पे रॉयल पास परचेस कर सकता हूं। और आप ये कह सकते हो कि ऑलमोस्ट मेरा जो रॉयल पास है वो एकदम फ्री में परचेस हो जाएगा। और फिर जो मैंने यूसी परचेस थी उसको मैं और चीजों में यूज कर सकता हूँ, जैसे क्रेडिट ओपनिंग वगैरह में, या फिर मैं अपने अकाउंट में भी रख सकता हूँ जो कि 5 साल बाद एक्सपायर होगी, तो मेरे को इतनी कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अभी आप रॉयल पास मत परचेस करना। 3.0 अपडेट के बाद फरवरी के फर्स्ट वीक में या फिर एंड ऑफ जनवरी में आपको नया बोनस यूसी इवेंट देखने के लिए मिल जाएगा। उस टाइम अगर आप यूसी परचेस करते हो तो फिर आपको बोनस यूसी मिल जाएगी, और उस बोनस यूसी का आप इस्तेमाल करके रॉयल पास परचेस कर लेना। ऑलमोस्ट आपका जो रॉयल पास है फ्री में परचेस हो जाएगा, ठीक है। और अगर जिन बंदों के पास ऑलरेडी बोनस यूसी पड़ी हुई है तो आप बिल्कुल मत हिचकिए, आप जाकर तुरंत रॉयल पास परचेस कर सकते हो, क्योंकि आपकी ऑलरेडी बोनस यूसी जो कि एक्सपायर हो जाएगी 3 महीने में, तो उससे बढ़िया है कि आप उसको यूज करके रॉयल पास को परचेस करो, तो एटलीस्ट आपकी जो यूसी है वो रिन्यू हो जाएगी। तो ये चीज हो गई। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट चीज के बारे में। तो यहाँ पे देखिए प्ले स्टोर के अंदर हमको नए ऑफर देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी ऑफर लगा यहाँ पे 40 रुपीज डिस्काउंट वाला। तो यहाँ पे 40 रुपीज ऑफ वाला ऑफर है जिसकी टर्म और कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल इसमें यह है कि अगर आप BGMI के गेम के अंदर कोई भी अगर इन गेम परचेस करते हो 40 रुपीज से ऊपर, तो ये ऑफर जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा और डायरेक्ट वहाँ पे 40 रुपीज जो है वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करते बात बेनिफिट की, तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो आ रहा है 75 रुपीज वाले पैक में, जो कि आपको यूसी परचेस वाले ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाता है। अगर यहाँ पे आप 75 रुपीज वाला पैक परचेस करते हो तो ये ऑफर जो है अगर आपने सेव कर रखा है अपनी गूगल ID पे तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, और वहाँ पे 75 रुपीज कट के आपको सिर्फ और सिर्फ 35 रुपीज पे करने होंगे, और 35 रुपीज में आपको यहाँ पे जो है 60 UC देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप लोगों का इसमें काफी ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है। और अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि BGMI के अंदर भी फॉर्चून पैक चल रहा है। अगर आपको 75 रुपीज वाला पैक परचेस करना है तो आप फॉर्चून पैक में जाकर परचेस करेगा, वहां पर भी आपको 60 UC देखने के लिए मिलेगी। तो वहां पर अगर आप परचेस करोगे तो आपका ये ऑफर जो है वहां पे भी अप्लाई हो जाएगा। सिर्फ 35 रुपीज आपको पे करने, 60 UC भी मिल जाएगी। प्लस यहाँ पे बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे प्रीमियम क्रेट कूपन भी देखने के लिए मिल जाएगा, और 5 यहाँ पे लकी क्रेट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसको ओपन करके आप रैंडम रिवार्ड भी अच्छे खासे पा सकते हो। तो इसमें आपका ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज मैंने डिस्कस कर दिया। बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। तो यहाँ पे सभी बंदों को पता ही चल गया होगा कि भाई BGMI के अंदर वाओ मोड आने वाला है 3.0 अपडेट में, साथ में ही आ जाएगा या फिर कुछ दिन के बाद आएगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि आने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली जो वाओ मोड है यार उन बंदों के लिए अच्छा है जो क्रिएटिव बंदे होते हैं, जिनको क्रिएटिविटी अच्छी लगती है। इसमें वो अपने हिसाब से मोड्स, गेम वगैरह अपने हिसाब से मैप्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और उनको जो है पब्लिश करके आराम से खेल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। इसमें भी आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप खुद क्रिएटर बनना चाहते हो, खुद क्रिएट करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। और अगर आप नहीं क्रिएट करना है आपको, तो आप जो बंदों ने क्रिएट कर रखे हैं आप उनके भी मोड को खेल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको उनके मोड्स को पहले अपने मोबाइल में BGMI के अंदर डाउनलोड करना पड़ेगा, उसी के बाद आप खेल पाओगे। और अगर आपको क्रिएटर बनना है तो उसके लिए भी यहाँ पे अलग चोट दे रखी है। यहाँ पे सबसे पहले कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वो आपको मेट करना पड़ता है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो टीयर है वो डायमंड से ऊपर होना चाहिए। दूसरी यहाँ पे होती है कि आपकी जो मेरिट होती है वो 95 से ऊपर होनी चाहिए। और तीसरा यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपने एटलीस्ट पिछले 7 दिन में 2 या 2 से ज्यादा बार वाओ मोड खेला हो, तभी आप इन रिक्वायरमेंट को मेट करोगे। और उसके बाद क्या होगा, आपसे कुछ यहाँ पे टर्म्स और कंडीशन जो है वो एक्सेप्ट करवाई जाएंगी, और फिर BGMI आपसे कुछ क्विज या कुछ सवाल वगैरह पूछेगा वाओ मोड से रिलेटेड। और अगर आपने उनका अच्छे सही आंसर दे दिया तो फिर आप एलिजिबल हो जाओगे क्रिएटर बनने के लिए। तो फिर आप अपना वाओ मोड में जो है अपने हिसाब से मोड्स वगैरह, गेम्स वगैरह या फिर मैप्स वगैरह आप जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा सीन रहने वाला है। यार मेरे पर्सनली पूछो, मेरे को तो अपना नॉर्मल रैंगल ही ज्यादा बेटर लगता है, ये सब माथाफोड़ी मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर देते नेक्स्ट चीज के बारे में। तो यहाँ पे भाई काफी ज्यादा हाइप मची हुई है कि भाई 3.0 अपडेट में यहाँ पे जो परचेस गिफ्ट या फिर आप कह सकते हो इस यूसी स्पेंडिंग इवेंट है वो भी आने वाला है। इवेंट आपको जो है पबजी मोबाइल जैसा ही एकदम देखने के लिए मिल जाएगा या हल्का फुल्का चेंज होगा। तो अभी जो पबजी मोबाइल में इवेंट चल रहा है उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप 60 UC परचेस करते हो तो आपको 60 UC यहाँ पे बोनस देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद अगर यहाँ पे 300 UC आप परचेस करते हो, यहाँ पे आपको मटेरियल का पैक देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद अगर आप 600 UC परचेस करते हो तो आपको 220 UC देखने के लिए मिल जाती है। 1500 UC परचेस करने पे 2 मिथिक एम्बलम मिल रहे हैं, और 3000 UC परचेस करने पे आपको 600 UC मिल रही है। तो यार मैं तो चाहूंगा कि इस तरीके का रद्दी इवेंट तो भाई गलती से बनाया BGMI के अंदर। अभी हाल ही में यहाँ पे जो है नए साल पे हॉलीडे ग्रीटिंग इवेंट आया था, जिसमें बीच उन्होंने पैन वगैरह आउटफिट वगैरह घुसेड़ दिए थे, तो पूरा दिमाग खराब हो गया था। और अगर इन्होंने ये वाला इवेंट दे दिया आपके पास जिसमें ये मिथिक एम्बलम वगैरह और मटेरियल पैक वगैरह घुसेड़ देंगे, तो फिर और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा। और जो बोनस है वो भी इन्होंने काफी ज्यादा कम कर दिया है। तो होपफुली यार ये वाला इवेंट ना आए जो अपने पहले इवेंट चलते थे यूसी, अब यूसी धमाका वाले, जिसमें सिर्फ हमको बोनस के तौर पर यूसी देखने के लिए
लिए मिलती थी वही इवेंट सबसे ज्यादा बेटर लगते थे। होपफुली वही इवेंट आ जाए तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, और अगर गलती से भी इस तरीके की बकचोदी आ गई तो भाई काफी ज्यादा मूड जो है खराब होने वाला है। तो ये था आज की इस वीडियो में गाइस, होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों से मेरा जय श्री राम और धन्यवाद।